Everyone, welcome back to our pen. So today we're gonna discuss about Factory Act 1948. ये हमारा revision series है, तो इसमें हम बहुत depth में तो नहीं discuss करेंगे, but हाँ, briefly जितनी भी आपके points है, जो exam point of view से आपका important है, important aspect इस act में, उसको हम इस series में cover करेंगे. ये आपका part first होने वाला है, क्योंकि ये act काफ़ी बड़ा act है, तो इसलिए मैंने दो part में रखा है, क्योंकि अब आप bore ना हो और plus सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें में कवर हो जाएं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे पहला जो फैक्ट्री एक्ट आया था 1881 में, उसमें कौन कौन से प्रोविजन थे. यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं कि आपके पुराने जो एक्ट्स थे उसमें कौन कौन से प्रोविजन थे, या फिर ये प्रोविजन किस अमेंडमेंट से स्टार्ट हुआ है, तो ये सारी चीज़ें भी हैं. सो इसमें देख लेते हैं 1881 में फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आया था. ये कहाँ अप्लाई होता था, जहाँ पे 100 or more लोग होते थे वहाँ पे एम्प्लॉयड होते थे, बट फॉर द 4 month. यूजुअली हमारे एक्ट में 12 month होता है, बट इस एक्ट के अंदर 4 month था. तो 100 से ज़्यादा लोग अगर आपके यहाँ एम्प्लॉयड हैं और 4 month के लिए ही, तो आपका ये एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा. उस टाइम पे प्रोविजन था कि आप जो बच्चे हैं उनको प्रोहिबिट किया गया था टिल द एज 6, मतलब अगर 6 साल तक हैं तो उनको आप काम पे नहीं रखोगे, अगर वो 7 year के हो गए हैं तो वो काम कर सकते हैं फैक्ट्री में. तो नो चाइल्ड बिलो द 7 year कैन वर्क इन अ फैक्ट्री. मैक्सिमम वर्किंग आवर 7 to 12 year के लिए था 9 hours. 1 hour आपका इंटरवल था. वीकली हॉलीडे दिया जाता था, तो इस हिसाब से 4 holiday मिलती थी 1 month में. वैसे मैंने सारे अमेंडमेंट उसमें नहीं डाले, बस यही डाला है, पर अगर आपको चाहिए कि मैं अमेंडमेंट के लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूं, तो प्लीज़ कमेंट में ये बता दीजिएगा. सो अब डिस्कस करते हैं आपका फैक्ट्री एक्ट 1948. ये जो आपका इन्फोर्स आया था वो हुआ था 1 April 1949 में, और ये ऑल ओवर द इंडिया अप्लाई होता है. फिर आता है इसमें 3 schedule हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है. पहला शेड्यूल है हजार्डियस प्रोसेस, कौन कौन से प्रोसेस आपके हजार्डियस प्रोसेस हैं. सेकंड है परमिसेबल लिमिट ऑफ दी केमिकल, कितना लेवल, कितना आप केमिकल यूज़ कर सकते हो किसी इंडस्ट्री में, तो उसका वो लिस्ट दिया गया है आपके शेड्यूल 2 में. और शेड्यूल 3 आपका है डिजीज़ का, कौन कौन से डिजीज़ आपके नोटेबल डिजीज़ हैं, तो जितने भी डिजीज़ हैं वो आपके 3rd में आए हैं. तो ये 3 हो गए. केमिकल है, पहले आपका प्रोसेस है, फिर केमिकल है, फिर डिजीज़ है. आई होप ये क्लियर हो गया होगा. अब आते हैं डेफिनेशन में. इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो कुछ डेफिनेशंस आप एकदम ध्यान रखिएगा. कि पहले 2A में एडल्ट को डिफाइन किया गया है. एडल्ट कौन होता है फैक्ट्री एक्ट के अंदर, जो 18 year अपना कंप्लीट कर लिया है उसे हम एडल्ट कहेंगे. एडोलसेंट कौन है फैक्ट्रीज एक्ट में डिफाइन किया गया, जो अपना 15 year कंप्लीट कर लिया है बट 18 year नहीं कंप्लीट किया है, वो आपके एडोलसेंट हो जाते हैं. चाइल्ड कौन है, जो अपना 15 year कंप्लीट नहीं किया है. ये आपका फैक्ट्री एक्ट के अकॉर्डिंग है. आप अगर चाइल्ड लेबर वाले एक्ट में देखोगे तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, वहाँ पे 14 year है. तो ये दोनों आप प्लीज़ ध्यान में रख के पढ़िएगा कि किस एक्ट में कौन सा ईयर दिया हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं. अब आता है 2CB में आपके हजार्डियस प्रोसेस हैं. के फॉर मैन्युफैक्चरिंग, आई फॉर वर्कर, एम फॉर फैक्ट्री एंड एन फॉर ऑक्यूपायर. ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं. इसके आप क्लॉजेस अगर आपको याद हो तो याद कर लीजिएगा. अब आते हैं सेक्शन 6, अप्रूवल रजिस्ट्रेशन लाइसेंसिंग. तो इसमें जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका रोल बहुत ज़्यादा है. अगर आप मोस्टली प्रोविजन देखोगे तो स्टेट गवर्नमेंट ही यहाँ पे गवर्न कर रही है. अगर आप माइंस में जाते हो, अगर आप माइन एक्ट पढ़ रहे हो, तो वहाँ पे आप देखोगे तो जितने भी प्रोविजन है वो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट आपको दिखेगी, कि सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन बना रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है. तो ऐसे आप एक्ट्स में देख सकते हो कि कौन से एक्ट में कौन सी चीज़ें गवर्न कर रही हैं. जैसे कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में आपका अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो मोस्टली आपको प्रोविजन में दिख जाएगी. सो फॉर बैक टू द एक्ट, इसमें आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, सॉरी स्टेट गवर्नमेंट होगी. तो आइए देखते हैं. तो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होता है, क्या पावर होती है, अप्रूव करने का रजिस्ट्रेशन को और लाइसेंसिंग प्रोवाइड करने का. ये जो आपका डीम अप्रूवल होता है वो 3 month में होता है. अगर मान लीजिए आपने अप्रूवल के लिए, लाइसेंसिंग के लिए एप्लीकेशन किया है और वहाँ से सामने से सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट से कोई भी आपको
कम्युनिकेट नहीं किया गया, कोई भी आपको बताया नहीं गया कि आपका एक्सेप्ट हुआ है कि आपका रिजेक्ट हो गया है, तो 3 महीने बाद हम मान देते हैं कि वो डीम अप्रूवल है, कि उसे अप्रूव कर दिया गया, आप 3 महीने तक का वेट करोगे। अपील कितने दिन में होती है? वो 30 डेज में होती है। अब ये हो गया सेक्शन 6। अब आते हैं सेक्शन 7, नोटिस बाय द ऑक्यूपायर। ऑक्यूपायर को नोटिस देनी पड़ती है। किसको नोटिस देगा? वो आपको अथॉरिटी को नोटिस देता है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को नोटिस देता है। डिपेंड करता है नोटिस कौन सी वाली है और किस चीज़ के लिए हम नोटिस दे रहे हैं। तो बिफोर ऑक्यूपाइंग विद इन 15 डेज, अगर आपने ऑक्यूपाई नहीं किया है उस एरिया को फॉर दी फैक्ट्री, तो आप विद इन 15 डेज आप नोटिस प्रोवाइड करोगे कि हम ये एरिया फैक्ट्री के लिए यूज़ करने वाले हैं। फॉर द सीजनल फैक्ट्री, अगर आपकी फैक्ट्री सीजनल इन नेचर है तो विद इन 30 डेज आप करोगे। और अगर आप कुछ भी न्यू मैनेजर, कुछ मैनेजमेंट में मैनेजमेंट पर्सन को लेके चेंज कर रहे हो, तो विद इन 7 डेज आप नोटिस दोगे। किसको दोगे? आप दोगे अपने इंस्पेक्टर को, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ द एरिया या फिर डिस्ट्रिक्ट, जो भी आपका चीफ इंस्पेक्टर होगा उसको आप 7 डेज के अंदर नोटिस दोगे। किस केस में? अगर आप कोई नए मैनेजर को अपॉइंट करते हो अपने फैक्ट्री में। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं सेक्शन 8, इंस्पेक्टिंग स्टाफ। तो आपके इंस्पेक्टिंग स्टाफ कौन कौन होते हैं? इसमें आपके इंस्पेक्टर होंगे और DM को भी पावर दी जाती है कि वो एज ए इंस्पेक्टर वर्क कर सकते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट में। और ये कौन देता है? ये आपका स्टेट गवर्नमेंट देती है। और कौन अपॉइंट करता है इंस्पेक्टिंग स्टाफ को? वो भी स्टेट गवर्नमेंट करती है, मतलब SG करेगी। सर्टिफाइंग सर्जन कौन होता है? एक आपके ऐसे पर्सन होते हैं, ऐसे आप प्रैक्टिसनर मान सकते हो, जो आपका सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस देते हैं बच्चों को जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं, तो उनको हम सर्टिफाइंग सर्जन कहेंगे। और उसको कौन अपॉइंट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। मैंने आपको बताया इस एक्ट में मोस्टली आपको स्टेट गवर्नमेंट दिखेगा, तो ये भी आपका स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है अपने स्टेट के लिए। अब आता है चैप्टर 3, हेल्थ। आपको इसमें चैप्टर नंबर भी याद होना चाहिए कि कौन से चैप्टर में क्या डिफाइन किया गया है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे गए हैं। तो 3rd जो चैप्टर है वो आपका हेल्थ है। अब इसको आप एज अ, इसमें आपको हेल्थ में जितना भी ये सेक्शन भी ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा कि आपको सेक्शन भी याद हो जाए, क्योंकि वो भी थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब आता है सेक्शन 11, क्लीननेस। आप ऐसे स्टोरी बना के याद कर सकते हो कि अगर आपके पास कोई फैक्ट्री है, आप क्लीन करोगे उसे। फर्स्टली अगर आपने क्लीन कर दिया, तो क्लीन करने के बाद क्या करते हैं हम लोग? वेस्टेज को डिस्पोज करते हैं, कूड़ा फेंकते हैं। तो सेक्शन 12 में डिस्पोज कर दिया हमने वेस्टेज को। फिर सेक्शन 13 में हम वेंटिलेशन देखेंगे। सब कुछ क्लीन हो गया, अब देखेंगे वेंटिलेट तो अच्छे से हो रहा है, हवा तो आ जा रही है, तो वेंटिलेशन देखेंगे। वेंटिलेशन क्यों देख रहे हैं? कि जो डस्ट एंड फ्यूम हमारे साफ़ करने से हुआ था, वो वापस मतलब वहाँ पे ब्रीदेबल है कि नहीं एरिया। तो डस्ट एंड फ्यूम 14 में आ गया है। फिर हम लोग ह्यूमिडिफिकेशन देखेंगे, कोई ह्यूमिड तो नहीं हो गया, 15। 16 है, अब इतना कुछ देखने के बाद हम लोग 16 पे आएंगे, ओवरक्राउडिंग। अगर मान लीजिए आपका सारी चीज़ें नीट एंड क्लीन हो गया है, तो अब इतना स्पेस तो है ना कि लोग ओवरक्राउड तो नहीं कर जाएंगे ना किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, या फिर पर्टिकुलर आप कह सकते हो फ्लोर पे। तो इसलिए ओवरक्राउडिंग दिखनी होती है। इसमें 2 आपके फिगर्स हैं, वो आपको याद करने हैं। 9.9 क्यूबिक मीटर है अगर आपकी फैक्ट्री इस एक्ट के पहले है, इस एक्ट पहले आपकी इस्टेब्लिश हुई थी तो ये होगा। और 14.2 आपका होगा क्यूबिक मीटर पर पर्सन अगर आपकी फैक्ट्रीज़ इस एक्ट के बाद आपकी मतलब स्टार्ट हुई है। तो ये दोनों आपको याद रखना है, क्वेश्चंस यहाँ से PYQ में आपको देखने को मिलेंगे। 17 ओवरक्राउडिंग के बाद आप लाइटनिंग का देखोगे, लाइटनिंग के बाद आप ड्रिंकिंग वाटर। 250 अगर पीपल आपके फैक्ट्रीज में उससे ज़्यादा हैं, तो आपको ठंडे पानी की व्यवस्था करनी होगी। 19 है आपका पानी पी लिया, तो अब यूरिनल भी होना चाहिए। तो आपका सेक्शन 19 यूरिनल पर क्या कहते हैं वो करता है, डील करता है। और सेक्शन 20 स्पिटन, मतलब कि जो आपका लोग काफ़ी सारा पान मसाला ये सब खाते हैं, तो इसलिए स्पिटन की भी व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। और अगर मान लीजिए कोई बंदा जहाँ पे स्पिट करना अलाउड नहीं है वहाँ करता है, तो उसे एज अ फाइन 5 रुपीज देना होगा। ये आपका हो गया चैप्टर 3। अब आते हैं चैप्टर 4, जिसे हम सेफ्टी कहते हैं। इसमें आपको सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है, सारे सेक्शन
कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है वो याद रख लीजिए, और इससे आपको क्वेश्चन बन देंगे, कुछ आपको प्रोविजन दे देंगे और पूछेंगे ये सेफ्टी में है कि नहीं, ये आपका हेल्थ में है कि नहीं। तो आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए कि आपके हेल्थ में क्या आ रहा है। हेल्थ में एकदम बेसिक चीज़ें आ रही हैं, आपका यूरिनल आ रहा है, क्लीननेस आ रही है, ह्यूमिडिफिकेशन आ रहा है, ओवर क्राउडिंग एकदम बेसिक आ रहा है। अब अगर आप सेफ्टी की बात करूँ तो सेफ्टी किससे? मशीन से होगी, आपके कंडीशन से होगी, तो इसमें आपकी सारी चीज़ें सेफ्टी में आएंगी। तो आप कुछ कुछ चीज़ें आप याद कीजिएगा, पहले एक बार मैं रीड आउट कर देती हूँ। सेक्शन 21, फेंसिंग ऑफ मशीनरी, फेंस करना है मशीनरी को, मतलब कोई भी अगर बड़ी मशीन है तो उसको वहाँ पे फेंसिंग होनी चाहिए, ऐसी खुले में नहीं रखी होनी चाहिए। 22, वर्क ऑन और नियर द मशीनरी इन मोशन, कोई भी ऐसी मशीनरी जो मोशन में है उसके अकॉर्डिंग आप कैसे वहाँ पे काम होगा उसका प्रोविजन इसमें है। 23, एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन और डेंजरस मशीन, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि यंग पर्सन कैसे एम्प्लॉयड होंगे वहाँ पे, एम्प्लॉयड होंगे भी कि नहीं होंगे ऑन द डेंजरस मशीनरी, वैसे एम्प्लॉयड तो नहीं होते हैं। और कौन सा सेक्शन डील करता है? सेक्शन 23। 24 आपका डील करता है स्ट्राइकिंग गियर एंड डिवाइसेस फॉर द कटिंग ऑफ द पावर। 25 आपका डील करेगा सेल्फ एक्टिंग मशीन। 26 कास्टिंग ऑफ अ न्यू मशीनरी। 27 प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन एंड द चिल्ड्रन नियर द कॉटन ओपनर, ये इंपॉर्टेंट है 27 कि इसमें प्रोहिबिट किया गया है वुमेन को और चिल्ड्रन को कोई भी ऐसे कॉटन ओपनर के पास। तो 23 आपका हो गया है एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन और 27 हो गया आपका प्रोहिबिशन ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। फिर 28 आता है हॉर्स एंड लिफ्ट्स आते हैं। 29 लिफ्टिंग मशीनरी, चेन रोप्स एंड लिफ्टिंग टैकर्स। और सेक्शन 30 आता है रिवॉल्यूशन मशीनरी, रिवॉल्विंग मशीनरी। तो आपको देखने से लग रहा होगा सेफ्टी में मोस्टली मशीनरी है या फिर प्रोविजंस हैं। अब आता है सेक्शन 31, प्रेशर प्लांट्स। 32 फ्लोर स्टेन एंड मेजर ऑफ एक्सेस। 33 पिट्स सम्स एंड ओपनिंग इन द फ्लोर। 34 एक्सेसिव ऑफ वेट। 35 प्रोटेक्शन ऑफ आई। 36 प्रिकॉशंस अगेंस्ट अ डेंजरस फ्यूम एंड गैसेस। 36A प्रिकॉशन रिगार्डिंग द यूज ऑफ द पोर्टेबल इलेक्ट्रिक लाइट। 37 एक्सप्लोजिव एंड इनफ्लेमेबल डस्ट एंड गैस। 38 प्रिकॉशन इन द केस ऑफ फायर। 39 प्रोविजन रिक्वायरिंग स्पेसिफिकेशन ऑफ अ डिफेक्टिव पार्ट और टेस्ट ऑफ स्टेबिलिटी। सेक्शन 40 स्टेबिलिटी ऑफ अ बिल्डिंग, सॉरी सेफ्टी ऑफ अ बिल्डिंग एंड मशीनरी। 40A मशीन मेंटेनेंस ऑफ अ बिल्डिंग एंड 40B सबसे इम्पॉर्टेंट सेफ्टी ऑफिसर। आपका सेफ्टी ऑफिसर से आई डोंट रिमेंबर कितनी बार क्वेश्चन आया है। तो सेक्शन 40B अंडर चैप्टर 4th ऑफ द सेफ्टी डिफाइन करता है सेफ्टी ऑफिसर। और सेफ्टी ऑफिसर कब अपॉइंट करने हैं? जिस फैक्ट्री में 1000 या फिर 1000 से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं तो वो आपको ऑक्यूपायर वहाँ पे सेफ्टी ऑफिसर को अपॉइंट करेगा, ठीक है। और ये किस अमेंडमेंट में ऐड किया गया? अमेंडमेंट 1976 में ऐड किया गया है सेफ्टी ऑफिसर का प्रोविजन। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो 40B आपका डिफाइन करता है सेफ्टी ऑफिसर को। अब आ जाते हैं सेक्शन 4A। ये जो आपका सेक्शन है ये पहले आप एक्ट में नहीं था, ये आपके अमेंडमेंट 1987 में एक्ट किया गया है जिसे हजार्डस प्रोसेस हम कहते हैं। इसमें जितने भी सेक्शन हैं वो आपको पता होनी चाहिए, उस सेक्शन के अंदर कौन कौन से प्रोविजन है वो भी आपको पता होने चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अब आता है सेक्शन 41A का साइट अप्रेजल कमेटी। साइट अप्रेजल कमेटी कौन अपॉइंट करता है? स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है फर्स्ट थिंग। इसमें जो चेयरमैन होगा वो होगा चीफ इंस्पेक्टर ऑफ द स्टेट, उस स्टेट का जो चीफ इंस्पेक्टर है वो उसका चेयरमैन बनेगा। इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंट्रल बोर्ड होंगे वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा, उसमें दो लोग होंगे, रिप्रेजेंटेटिव फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन। तो कौन कौन हुआ? चेयरमैन हो गए, रिप्रेजेंटेटिव बाय सेंट्रल बोर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इसमें दो लोग होते हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वाटर पोल्यूशन एंड एयर पोल्यूशन। सेम सेंट्रल गवर्नमेंट भी करेगी, वो भी वाटर पोल्यूशन और स्टेट सॉरी एयर पोल्यूशन के लिए करेगी, दो रिप्रेजेंटेटिव देगी। इतना क्लियर हो गया? सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट भी कर रही है। वो सेंट्रल बोर्ड के लिए कर रही थी, ये स्टेट बोर्ड के लिए कर रही है। पर जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो सेम एरिया के बिलोंग करेंगे, वो आपके होंगे रिप्रेजेंटेटिव फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन एंड फॉर द एयर पोल्यूशन। इतना क्लियर हो गया? अब कौन रिप्रेजेंटेटिव होगा? एक रिप्रेजेंटेटिव होगा डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट इन स्टेट,
मतलब कि डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट से भी एक लोग होंगे, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मीट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक यहाँ से होंगे, एंड एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एक एक्सपर्ट भी होगा ऑक्यूपेशनल हेल्थ के लिए, और जो एडिशनल मेंबर होंगे वो नॉट मोर देन 5 होंगे और वो को ऑर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट उसे ऑप्ट कर सकती है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि आपका साइट अप्रेजल कमेटी कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट करती है और कौन कौन उसमें मेंबर होंगे। अब बात आती है साइट अप्रेजल कमेटी होती क्यों है। ये कमेटी इसलिए होती है अगर कोई फैक्ट्रीज खुलने वाली है तो वहाँ पे वो कहती है कि मतलब उसको पहले साइट को अप्रेज करवाना पड़ता है, चेक करवाना पड़ता है कि वो साइट सही है कि नहीं फैक्ट्री के लिए। ऐसा तो नहीं है कि उस फैक्ट्री से अगल बगल के जो लोग रह रहे हैं, जो पॉपुलेशन वहाँ पे है, वहाँ पे डैमेज होगा, इन्वायरमेंट ज़्यादा डैमेज हो रहा है, तो ये इसलिए साइट अप्रेजल कमेटी फॉर्म की जाती है। तो ये बिफोर दी आप क्या कह सकते हो कि कमेंसमेंट ऑफ दी फैक्ट्री होती है। अब आता है 41B। 41B क्या होता है, कंपल्सरी डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन बाय द ऑक्यूपायर। ऑक्यूपायर का एक राइट होता है कि उसे डिस्क्लोज करना है सारी इंफॉर्मेशन। कब तक करनी होती है, विद इन 30 डेज। 30 दिन का टाइम मिलता है, अगर आप कमेंट्स कर चुके हो तो 30 दिन के पास आपके पास टाइम है कि सारी इंफॉर्मेशन आप डिस्क्लोज करो। किसको करोगे, CI को करोगे। CI कौन होता है, चीफ इंस्पेक्टर होता है। यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं सेक्शन 41C, स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑक्यूपायर इन रिलेशन टू द हजार्डस प्रोसेस। अब ऑक्यूपायर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अगर उस कोई भी उसकी फैक्ट्री में हजार्डस प्रोसेस को वो किया जा रहा है, मतलब कोई प्रोसेस आप अडॉप्ट किए हो तो क्या क्या होगा। पहले आपको मेंटेन करना है एक्यूरेट एंड अप टू डेट हेल्थ रिकॉर्ड। जितने भी एम्प्लॉय उसमें एम्प्लॉयड हैं या फिर इंगेज हैं उनका आप हेल्थ रिकॉर्ड मेंटेन करोगे। एक पर्सन को अपॉइंट करोगे जिसकी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होने चाहिए आपकी उस काइंड, जिस काइंड का आपका पास हजार्डस प्रोसेस है उसको हैंडल करने के लिए। जो भी सब्सटेंस आप यूज़ कर रहे हो, कोई ऐसे केमिकल यूज़ कर रहे हो जिससे कोई हेल्थ इशू हो सकता है, तो उसको वो हैंडल करना आना चाहिए, उसके पास वो एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, और वो सुपरवाइज करे हैंडलिंग विद द फैक्ट्री। कि उसमें अगर मान लीजिए आप नई फैक्ट्री खोले और उसमें कोई आप ऐसा सब्सटेंस यूज़ कर रहे हो जो बहुत काफ़ी डेंजरस है, तो आप किसी पर्सन को अपॉइंट करोगे, सारे अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दोगे, सबको सिखाओगे कैसे होगा, उसके सुपरविज़न में ही सारे एम्प्लॉयज काम करेंगे। फिर प्रोवाइड करो मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर एवरी वर्कर, जितने भी वर्कर हैं उनको मेडिकल एग्जामिनेशन प्रोवाइड करना होगा। बिफोर दी वर्क स्टार्ट होने से पहले आप सबका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाओगे, किसी को कोई पहले से तो प्रॉब्लम नहीं है या फिर वो बंदा फिट है कि नहीं वो काम करने के लिए, तो इसलिए आप पहले करते हो। फिर अगर मान लीजिए वो काम चल रहा है तब भी आप मेडिकल एग्जामिनेशन करवाओगे कि कोई इशू तो नहीं आ रही है, कुछ हेल्थ में तो प्रॉब्लम नहीं हो रही है उनके उस काम में इंगेज होने की वजह से। आफ्टर 12 मंथ, ये आपका 12 मंथ के बीच में होता है, इन द मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब, और ये आफ्टर भी होता है जब आपने टर्मिनेट करने लगे हो तो भी किया जाता है। और अगर मान लीजिए कोई इंक्वायरी आपके फैक्ट्री पर बैठती है तो उस टाइम पे भी आपको मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना पड़ता है अपने एम्प्लॉयज़ का। अब आता है सेक्शन 41D, इंक्वायरी कमेटी। ये जो कमेटी होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट अभी ही आई है इस एक्ट में, और वो क्या करेगी, वो इंक्वायरी कमेटी फॉर्म करेगी। क्यों करेगी, अगर मान लीजिए किसी स्टेट में फैक्ट्रीज़ को लेके कुछ बहुत प्रॉब्लम हो रही है, कोई फैक्ट्री में एक्सीडेंट हो गया है, कोई फैक्ट्री में कोई बहुत बड़ा लीकेज हो रहा है, तो इसलिए इंक्वायरी कमेटी बैठेगी। कौन बैठाएगा इस कमेटी को, कौन कॉन्स्टिट्यूट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। उसमें एक चेयरमैन होते हैं, 2 अदर पर्सन होंगे, और इसका जो भी आपका एडवाइस करेगी, ये एडवाइजरी नेचर होगी, ऐसा कुछ नहीं है कि वो कुछ बताएगी कि आप उसको बाइंडिंग हो जाएगा या फिर आपको वो करना ही करना है, ये सिर्फ एडवाइस करेगी। फिर आता है सेक्शन 41E, ये होता है आपका इमरजेंसी स्टैंडर्ड। अब एक इमरजेंसी स्टैंडर्ड फॉर्म करना होता है, तो इसको देख लेते हैं। इमरजेंसी स्टैंडर्ड कौन फॉर्म करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट करेगी। किसको डायरेक्ट करेगी, डायरेक्टर जनरल ऑफ फैक्ट्री एडवाइस सर्विस एंड द लेबर इंस्टीट्यूट,
को डायरेक्ट करेगी कि आप इमरजेंसी स्टैंडर्ड फॉर्म करो जो भी, या फिर कोई और इंस्टीट्यूट अगर कोई स्पेशलाइज्ड है इस मामले में तो उसको डायरेक्ट करेगी कि आप स्टैंडर्ड ले डाउन करो हैजार्डस प्रोसेस के लिए। इमरजेंसी जितने भी स्टैंडर्ड होंगे वो आप जितने भी फैक्ट्रीज उस चीज़ों में डील करेगी वो उस स्टैंडर्ड को एडॉप्ट करेगी। तो ये कौन कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। किससे करवा रही है? वो डायरेक्टर जनरल ऑफ फैक्ट्री एडवाइस सर्विस से करवाएगी या फिर लेबर इंस्टीट्यूट से करवाएगी या फिर कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट जो स्पेशलाइज है इस एरिया में उनसे स्टैंडर्ड गवर्न करवाएगी। अब आता है 2F, परमिशनेबल लिमिट फॉर द एक्सपोजर ऑफ द केमिकल एंड टॉक्सिक सब्सटेंस। तो ये आपके कुछ लिमिट्स दिए गए हैं कि कितने लिमिट में आप टॉक्सिक सब्सटेंस को यूज़ कर सकते हो। अब आता है 41G, वर्कर पार्टिसिपेशन इन सेफ्टी मैनेजमेंट। सेफ्टी मैनेजमेंट वर्कर का पार्टिसिपेट करने के लिए ये आपका एक्ट एक कमेटी फॉर्म करता है जिसे हम सेफ्टी कमेटी कहते हैं। ये कौन फॉर्म करेगा? ये एम्प्लॉयर या ऑक्यूपायर फॉर्म करेगा। देखिए इसमें अभी तक मैंने तीन चीज़ें पढ़ाई हैं और तीन अलग अलग लोग उसे फॉर्म करे। साइट अप्रेजल कौन कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट कर रहा है। इंक्वायरी कमेटी कौन कर रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। अब सेफ्टी कमेटी कौन करेगा? एम्प्लॉयर करेगा। तो तीन कमेटी इसमें हो गई हैं इस सेक्शन में, सॉरी इस चैप्टर के अंदर, और वो तीन अलग अलग लोग कर रहे हैं तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। सो ये एम्प्लॉयर या ऑक्यूपायर करेगा। कब करेगा? जब उसकी ऑर्गेनाइजेशन में 250 या 250 से ज़्यादा लोग होंगे, 250 या 250 से ज़्यादा लोग होंगे, ओनली देन आपका एम्प्लॉयर या ऑक्यूपायर वहाँ पर एक सेफ्टी कमेटी फॉर्म करेगा। उसमें कौन कौन लोग मेंबर होंगे? इक्वल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई विल बी देयर। तो ये आपका हो गया 41G सेफ्टी कमेटी। अब आता है 41H, राइट ऑफ वर्कर टू वॉर्न अबाउट द इमिडेंट डेंजर। वर्कर की भी राइट होती है कि अगर उसको लगता है कि कोई भी ऐसा डेंजर उसको लग रहा है, फील हो रहा है कि शायद ये मशीनरी ब्रोक डाउन होने वाली है, टूटने वाली है, ऐसा एज सच कुछ भी होने वाला है, तो वो उसके पास राइट है कि वो जाकर वहाँ पर बता सकता है कि ये गलत है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो में मैंने इतना ही इंक्लूड किया है क्योंकि बहुत बड़ा एक्ट है, आपको एक साथ पढ़ोगे तो शायद कन्फ्यूजन हो जाए। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आपका एनुअल वेजेस होगा, एनुअल लीव विद वेजेस होगा, और जितने भी पॉइंट्स वहाँ पे बचते हैं वो डिस्कस होगा। आई होप ये समझ आया होगा आपको और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सजेशन हो, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो, या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे आप ज्वाइन कर लो हमें, और वहाँ पे हम लोग ओपन डिस्कशन करते हैं, वहाँ पे हम लोग कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होता है वो शेयर करते हैं, और क्विजेस भी वहीं पर होते हैं। सो थैंक यू, कीप ऑन वॉचिंग आप एंड